नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है डेली स्वाइप का और इसका टाइटल है मुंबई सिटी टूर मॉडर्न इंडिया द नेक्स्ट दुबई 2.0 पाक पब्लिक शॉकिंग रिएक्शन। जाहिर सी बात भाई, हमारी मुंबई सिटी जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है और कुछ दिनों पहले मेरे पास एक वीडियो आया था, इसका नाइट व्यू का वीडियो था। वो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाऊँ, उसके बाद चलते हैं कि इन्होंने कौन सा वीडियो दिखाया और क्या नहीं दिखाया। पहले वो वीडियो देखिए मुंबई के नाइट व्यू का। देख लिया वीडियो, ये क्या अपनी मुंबई सिटी लग रही है भाई, आमची मुंबई है ना। अब चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तानियों को कौन से मुंबई की तस्वीरें दिखाई गई हैं और इस पर पाकिस्तानी क्या कहते हैं। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि मैं आपको ना एक सिटी की वीडियो दिखाने लगा हूँ, वो देख के पहचानना कि कौन सी कंट्री है, कौन सा मुल्क है, पाकिस्तान है या कोई बाहर की कंट्री है। बताता जाऊँगा, पाकिस्तान नहीं है, बाहर की कोई कंट्री है। आपने देख के ये वीडियो देख के पहचानना कि किधर का मुल्क है, ठीक है। ये पहचाने किस तरह का, ये पाकिस्तान तो कभी भी नहीं हो सकता, ये इंग्लैंड है। बिल्कुल गलत बताया आपने। नहीं इंग्लैंड है, इंग्लैंड नहीं है। दुबई भी नहीं है। कैलिफोर्निया तो नहीं है, वहाँ पे आइलैंड वगैरह ज्यादा होते हैं ना। क्या लग रहा है ये मुझे? मेक्सिको। हाँ, क्या बात है यार, आपने बिल्कुल गलत बताया। ये देखो ना, इधर देखो यार, देख के पहचानो ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं, किधर की लग रही हैं? अमेरिका हो सकता है, अमेरिका हो सकता है ना। वैसे कितना डेवलप है यार, मैं आपको हिंट देता हूँ, नहीं ये अमेरिका, नहीं ये मैक्सिको, नहीं ये सिंगापुर है। ऑप्शन दे सकते हो? मैं ऑप्शन दे सकता हूँ, ये मिडिल ईस्ट है, हमारे साउथ एशिया में से है। मलेशिया, मैं एग्री हूँ इसके बाद में। मलेशिया नहीं है ये। चले मैं आपको मजीद हिंट देता हूँ। अंकल जी किधर का लग रहा है, आप बताएं सर, किधर का लग रहा है? पता नहीं, मैंने तो कभी सर बिल्डिंग्स देखे। ये तो उधर की है, वो क्या नाम उसका, जिधर वो बमबारी हो रही है, अफगानिस्तान। हाँ जी, नहीं अफगानिस्तान में इस तरह जगह कौन सी होती है? उधर तो सारे पहाड़ी इलाके। देखिए जरा बिल्डिंग चेक करें, इतनी नाइट विजन चेक करें। दोबारा दिखा देता हूँ, देखेंगे जरा। चाइना तो नहीं है? चाइना, हाँ, क्योंकि एशिया में तो कोई और इस तरह मलेशिया और चाइना के अलावा हो सकता है। जापान या चाइना हो सकता है ना, जापान है ना चाइना। ये देखे समंदर के अंदर इतनी बड़ी इन्होंने ये ब्रिज बनाई हुई है। तुर्की तो नहीं है? तुर्की हो सकता है। तुर्की नहीं है, तुर्की में ये लाइटिंग बिल्डिंगें चेक करें, लाइटिंग चेक करें। मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी हो सकता है। पाकिस्तान हो सकता है, ख्वाब में पाकिस्तान हो सकता है, इस तरह का ख्वाब में हो सकता है। नहीं इंशाल्लाह पाकिस्तान अनकरीब इंशाल्लाह हो जाएगा, जब खान साहब आ जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। लग रहा है पाकिस्तान है? नहीं पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं ना, बाहर की। चले मैं आपको ना हिंट दे देता हूँ, ये हमारे आस पड़ोस में मुल्कों में से एक है। और आस पास कहना चाह रहे इंडिया इतना डेवलप कहाँ है यार? इंडिया काफी। अजरबैजान तो नहीं है? नहीं, हमारे आस पड़ोस की, हमारे बॉर्डर्स भी लगते हैं। चीन। हैरान हो, मैं जब बताऊंगा आप लोगों ने हैरान हो जाना। अच्छा जी, हाँ जी, आप यकीन करोगे ही नहीं। नहीं करेंगे, आप बता दें। करोगे क्यों नहीं कर रहे हैं भाईजान? ये कोई और नहीं, ये हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। इंडिया बताया था इस भाई ने बताया था, भाई ने बताया। अच्छा, इंडिया मानते हैं? हाँ, नहीं मैं सकता ये कि इंडिया है। इतनी तरक्की की है इंडिया ने कि मैं सोच भी नहीं सकता जी। तो आप क्या कहेंगे यार? हैरानगी वाली बात है ना, वैसे जीरो पे कर गया इंडिया, हमें जीरो पे कर गया इंडिया, वाकई में जीरो कर गया भाई। जितनी डेवलपमेंट, जितनी तरक्की की, ऐसे लग रहा है बाहर की कंट्री है, इंडिया है ही नहीं है। ये पता कौन सा? मुंबई है उनका, बम्बई है, ठीक है, जो सपनों का शहर कहा जाता है। माशाल्लाह तरक्की की है, वाकई। हमें यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? हमें तकरीबन 100 साल लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। 100 साल लगेगा? नहीं, 2 घंटे का सफर है, इंडिया चले जाएं, पहुंच जाएंगे उधर। यहाँ तक मतलब के जितनी उन्होंने तरक्की की है, कितनी टाइम लगेगा इतनी तरक्की? पाकिस्तान की बात ये कितनी देर में इतनी तरक्की? अगर खान साहब आ जाए ना तो इंशाल्लाह 5 से 10 साल में इस तरह बन जाएगा। मुल्क तब बनेगा जब अवाम बनेंगे ना। हमने खुद अपने मुल्क की सफाई करने होंगे, अपने शहरों, अपने गलियों का सफाई करनी होगी ना। जब हम अपने आप को साफ रखते हैं ना, तब इस तरह शहर बन सकते हैं ना। इस तरह नहीं कि एक हुक्मरान के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। एक हुक्मरान के ऊपर सब कुछ डिपेंड नहीं करता। अगर मुल्क के अवाम बेहतर हो ना तो वो रोड पे निकल सकते, हुक्मरान को भी पकड़ सकते, सब कुछ कर सकते। अंकल जी, इंडिया ने किस तक कैसे तरक्की कर ली होगी इतनी? हम तो सोचो गुमान भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी इमारतें। अच्छा, समंदर के अंदर इतने लंबे लंबे बड़े बड़े पुल्स और रात व्यू और नाइट विजन देखे तो बंदा वैसे ही हैरान रह जाता है। उनके असूल बहुत अच्छे हैं, इंडिया के असूल अच्छे हैं। हमारे इधर का असूल नहीं है, ना बड़ों में है ना छोटों में है। ऐसे जैसे भेड़ बकरियां नहीं चल रही, ऐसे इनके असूल है। तो क्या उनके जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर मुल्क का मौजूदा है नरेंद्र मोदी, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस है? वो नहीं मुखलिस, अपने मुल्क के लिए मुखलिस नहीं, वो मुझे नहीं लग रहा। मुल्क के लिए बेशक मुखलिस है। अगर मुल्क के लिए मुखलिस नहीं होता ना तो ये मुल्क इस तरह नहीं बन जाना था। आजकल उसकी करेंसी देख ले, उसके जो सॉफ्टवेयर वगैरह, मिसाल टेक्नोलॉजी में वो चांद पे चले गए। हाँ जी, मानते हैं आप? मानता हूँ जी। क्या मानते हैं? ये जो बात कर रहे हैं इनकी बात, उनका जो लीडर है अपने मुल्क के लिए नरेंद्र मोदी मुखलिस है ना? मुखलिस है। अगर हमारे पास भी कोई ऐसा मुखलिस बंदा आया होता तो आज हम भी वीडियो दिखा रहे होते कि भाई ये पहचानो कौन सा मुल्क। हमारे मुल्क में 100 साल तक नहीं ऐसा बंदा आ सकता जो मुखलिस हो। यहाँ जो भी आता है फ्रॉडिये हैं, चोर हैं, वो जो भी आता है उनको अपनी पड़ी है, ना आवाम की पड़ी है ना लोगों की पड़ी है। हो क्या रहा है आवाम में? ये इतनी महंगाई हो गई है, ये क्या हो रहा है? ये कोई बात। हमारा जो असल में मुल्क है ना, ये हुक्मरान चला ही नहीं रहे। कौन चला रहे? ये कोई और चला रहे। अच्छा। जिस तरह मिसाल एक फैक्ट्री है ना, वो सिक्योरिटी गार्ड चला रहा है। हमारा जो मुल्क है ना वो इस तरह है ना कि एक सिक्योरिटी गार्ड चला रहा है ना, मालिक नहीं चला रहा है। सिक्योरिटी गार्ड को क्या पता बेचारे को अंदर क्या क्या। बाकी आप खुद समझदार है ना कि कौन सिक्योरिटी गार्ड है और कौन मालिक है। मालिक। बात तो भाई ने सही कही है। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो पापा जॉन्स पिज्जा सेंटर चलाता है भाई। कई आउटलेट हैं, 100-150 ज़्यादा आउटलेट हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड आपके देश के अलग अलग हिस्सों में ज़मीनें कब्जा कर लेता है खेती करने के लिए अपने। ये सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ के लोगों का पेट भरने के लिए कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो, आवाम भूख से मरती रहे। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हमारे दोस्त हैं, जो अफसर हैं, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हज़ारों हज़ार एकड़ ज़मीन पाकिस्तानी फौज ने ले रखी है। किस लिए? खेती करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए। अरे भैया, फौज को फार्मिंग से क्या मतलब है यार? मतलब इसलिए है कि उनकी फौज भूखी नहीं रहे ना। जनता भूखी रहे, महंगाई में मरे, उससे क्या फर्क पड़ता है फौज को? किसी भी दुनिया में किसी भी देश की फौज फार्मिंग करती है? आपके देश की फौज करती है फार्मिंग? अरे भाई, फौज का काम होता है बॉर्डर पर रहना, खेत में आके खेती करना नहीं होता। वो फार्मिंग करती है, वो बिजनेस चलाती है, फैक्ट्रीज चलाती है। और ये पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है ना कि हर देश के पास अपनी फौज होती है। पाकिस्तानी फौज के पास अपना देश है, और ये बात सही है कि कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान में। दूसरी बात ये कि बादशाह अंदर बैठे हैं, जो बादशाह उन्होंने लोगों को काम दिया है वो ठीक से काम करते ही नहीं है। आगे इतनी करप्शन है, चपड़ासी से लेके ऊपर तक जितने लोग हैं वो सब रिश्वत लेते हैं, करप्ट है। मैंने देखा है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोगों ने देखा, मैंने इंडिया की मुंबई सिटी दिखाई। यहाँ पर पाकिस्तानी पब्लिक, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि यार इंडिया इतना डेवलप कर गया। किसी और की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये पाकिस्तान या अदर कोई कंट्री है, उनकी क्या राय आती है। आइए मिलकर जानते हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नाम आपका? शुमाइला सर। आपका नाम? साइमा। आपका नाम? अच्छा, सही होगा। चलें मैम, बात करने का पर्पस ये कि आपको ना एक वीडियो दिखाने लगा हूँ। किसी मुल्क की वीडियो है, वो देखकर पहचानना कि आपको ये बिल्डिंग्स, ये इमारतें देखकर क्या लग रहा है कि कौन सा मुल्क लग रहा है। ठीक है, आप बता पाएंगी? पता नहीं, देखें अगर कोशिश करूँगी। चलें, ये है वो मुल्क जिसके मैं आपको वीडियो दिखाने। ये देखिए, समंदर के अंदर। अमेरिका? अमेरिका नहीं है। समंदर के अंदर इतना बड़ा ब्रिज बनाया है। इधर लग रहा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया नहीं है, इंडोनेशिया भी नहीं है। यूरोप? हाँ जी, यूरोप हो सकता है, लेकिन यूरोप नहीं है। इतनी तरक्की नहीं। आई नो के नाम इतना वो नहीं है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान इतना तरक्की आपका है? मीरपुर खास। नहीं, मीरपुर कश्मीर की बात कर रही हैं आप? जी। नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। लंदन। आप लंदन बता रही हैं, लेकिन हो भी सकता लंदन है। ये देखें मेट्रो स्टेशन भी जा रहा है। हिंट देना, चले मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अगर बात करें तो हमारे आस पड़ोस के मुल्कों में से मिडिल ईस्ट जैसे कि सऊदीया, दुबई, इंडिया, पाकिस्तान, अच्छा चाइना, इस तरह कोई हो सकता है। किधर का लग रहा है? सऊदी अरब होगा। नहीं, सऊदीया नहीं है। सऊदीया के अंदर ये समंदर के अंदर ये ब्रिज कहाँ से आई? ये दुबई होगा। फिर दुबई होगा? हाँ जी। कन्फर्म है? शायद। लॉक कर दें? हाँ जी। नहीं, दुबई नहीं है। मैं आपको बताऊँ, चलो आपको मजीद नज़दीक करता हूँ, ये हमारे बॉर्डर्स भी लगते हैं इस कंट्री के साथ। बॉर्डर्स चाइना के? चाइना नहीं। चाइना आप बताएं। ईरान आप बताएं। नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है। मैं जब आपको बताऊंगा आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। तो आप बता दें। बता दूं? जी बता, जरूर। आप मान लेंगी? मैं मान लूंगी। यकीन कर लेंगे? थोड़ा इधर इस तरफ हो जाए। मैं मान लूंगी। ये पता कौन सा मुल्क है? जी जी, ये कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। ये देखिए, हैरत की बात है, पहचाना नहीं। और तो नहीं है ऐसा इंडिया, बिल्कुल ये हमारे घर के पास है लेकिन हमें पहचान नहीं हुई है। हमारा बिल्कुल पड़ोस में पड़ता है। वैसे ये जुल्म है, आपने हमें दिखा के भी बताया नहीं कि ये कौन सा मुल्क है। देखा ना कितना उन्होंने तरक्की कर ली है। क्या आपको लगता है कि हमारा मुल्क इतना तरक्की याफ्ता है? ये तो मुझे नहीं इतना पता, पर करनी चाहिए। लाहौर आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, एमए कॉलेज से आगे। अच्छा, और क्या हमारा लाहौर इतना डेवलप तरक्की याफ्ता है? अल्लाह इसको तरक्की दे, कोशिश तो जितना तस्वीर में दिखाया, जो वीडियो में दिखाया इतना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो है हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हम तो बात करते हैं मुकाबले की इंडिया से, जितना वो तरक्की कर रहा, जितनी बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई, इस तरह तरक्की आप तो आप भी जानते। आपने लाहौर से मुंबई को कंपेरिजन कर दिया। मुजम्मिल भाई, क्या आपको पता है कि मुंबई की GDP कितनी है? आपने कभी इस बारे में सर्च किया है कि मुंबई की GDP कितनी है? महाराष्ट्र की GDP तो मैं पूछ ही नहीं रहा, महाराष्ट्र की एक सिटी है मुंबई, उसकी GDP पूछ रहा हूं मैं। पूरा पाकिस्तान टक्कर नहीं ले सकता सर मुंबई से। लाहौर तो सर किस चिड़िया का नाम है, पूरा पाकिस्तान टक्कर नहीं ले सकता। मुंबई की GDP करीब करीब पाकिस्तान की GDP के बराबर है सर, पूरे पाकिस्तान की GDP के करीब करीब। हमारा एक शहर, और भारत आपसे 7 टाइम्स बिगर है पाकिस्तान से, 7 टाइम्स। और GDP के लिहाज से शायद 10 टाइम्स बड़ा हो गया है, 10 टाइम्स। कहां लाहौर, कहां मुंबई। मुंबई वालों बताओ जरा पाकिस्तानियों को, मुंबई क्या चीज है? शान है सर मुंबई हमारी, पूरे देश की शान है मुंबई। बिजनेस कैपिटल कहा जाता है उसे। मुंबई एवं ही नहीं है सर, मुंबई एवं ही नहीं है। मुंबई आप पर बहुत भारी है, पूरे पाकिस्तान पर, अकेली हमारी मुंबई। हम जी मुंबई सर जानते कि क्या कर रहा है, और हम भी जानते हैं कि क्या कर रहा है। सही, ठीक है। ये पता कौन सा शहर था इंडिया का? ये होगा मुंबई होगा या दिल्ली होगा? अब क्या लगता है? यही है मुंबई या दिल्ली होगा? ये मुंबई है। मुंबई है ना? हाँ, तो बस आपने इतनी सी बात बता दी तो बस ऐसे पता चल जाएगा कि मुंबई या दिल्ली है। मुंबई है। आपको इतना कैसे पता वैसे मुंबई या दिल्ली या इंडिया के बारे में? क्योंकि हमारे कजन्स वगैरह रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे, तो ना इसलिए जब देखते हैं ना। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों याद नहीं आया, नहीं तो तस्वीरें वगैरह तो देखते रहते हैं। अच्छा, तो कहाँ पे रहते हैं आपके रिश्तेदार? दिल्ली में भी। इतना शो करके कभी दिखाया नहीं है इंडिया, और आपने कुछ ज्यादा ही शो करके दिखा दिया, लेकिन जिसकी वजह से बहुत अच्छा लगा। आप ये नीचे से इतना अच्छा नजर नहीं ना आता, ऊपर ड्रोन से शॉट लिए आपने ना, ये ना दिखाया ना, तो हम कंफ्यूज हो गए कि वाकई ऐसा भी होता है। अच्छा, ये कहाँ पर रहते हैं? यहाँ पर तो हमारे लोग बताते हैं कि बड़ा जुल्म होता है वहाँ पर मुसलमानों के साथ। मुसलमान है आपके रिश्तेदार? जी जी। तो वो बताते हैं कि कोई जुल्म होता है? इतनी बात तो नहीं होती है, और ना हम इतना करते हैं। अच्छा, क्योंकि बस वो दूर के रिश्तेदार है ना, करीबी नहीं है। कभी-कभी बात होती है। बिल्कुल, कभी कभी, जैसे ईद पे हो गई है, जैसे बकरीद पे हो गई, खैर खैरी मालूम करने के लिए। क्या बताते हैं हम खुश हैं, यहाँ पर तरक्की है, ये हालात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहती है। वो तो ठीक रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहते हैं। हाँ जी, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। थैंक यू, आप शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेरी नाइस। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। नाम आपका? मोहम्मद अरसलान। क्या करते हैं? सर मैं इधर अमेरिकन लाइफ स्कूल में होता हूँ, कराची, लाहौर में। जी मैं मोहम्मद उस्मान। क्या करते हैं? काम करते हैं लेट। मेरा नाम मोहम्मद आसफ। ज़बरदस्त। आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, एक कंट्री की, एक सिटी की वीडियो है। आप लोगों ने देख के पहचानना है कि ये कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी और कौन सा इलाका है। ये पहचान पाओगे या नहीं पहचान पाओगे, ट्राई करें। जी सर बिल्कुल। चलें, ये देखना दुबई। दुबई नहीं। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया नहीं। आप बताएं। चाइना। चाइना हो सकता है, वैसे इंडोनेशिया नहीं हो सकता। और कौन सा हो सकता है यार? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है लेकिन नहीं है। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। यार क्या बात है यार, आपने बिल्कुल गलत बताया। आप बताएं। हांगकांग। हांगकांग नहीं है। चाइना भी नहीं है। नहीं। यूरोप। यूरोप। यूरोपियन कंट्रीज नहीं, जितनी कंट्रीज आती सबका नाम बता दिया। मैं आपको हिंट देता हूँ, ये हमारे आस पड़ोस की कंट्रीज में से एक है। चाइना हमारे मुल्क में है। हमारे मुल्क में, हमारे आस पड़ोस के मुल्क है कोई। इंडिया ही हो सकता है। हाँ जी इंडिया ही हो सकता है। मुंबई तरक्की याफ्ता है या मुंबई हो सकता है। फिर मुंबई हो सकता है। इंडिया इतना तरक्की याफ्ता है नहीं ना? आपको क्या लगता है? ये जापान हो सकता है सर। जापान हो सकता है सर। आपको क्या लगता है, ये इतना तरक्की याफ्ता हो सकता है? नहीं सर नहीं ना हो सकता। गरीब मुल्क है, कहाँ तरक्की कर रही है। अच्छा ये बताएं कि चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, ये इनके साथ हमारे बॉर्डर भी लगते हैं। मैं तो फिर कराची बोल दूँगा। कराची? कराची बोल, मुझे पता है कराची में भी ऐसा हो सकता है। कराची में हो सकता है ये ऐसे। आप कराची से? मैं कराची से। तो कराची को आप अलग देश मान रहे हैं? बधाई हो कराची वालों, सिंध वालों, पाकिस्तानियों ने मान लिया कि आप अलग देश में रहते हैं। कराची से, महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी से। तो ये कराची है इतना तरक्की? कराची नहीं है ये। नहीं ना, ये क्यों बता रहे हैं कराची? और सबसे बड़ी बात, कराची और पाकिस्तान का बॉर्डर एक ही है। कराची पाकिस्तान का ही हिस्सा है। सही बात है। जो उसका पुराना दारुल खिलाफा था, लेकिन आज इस्लामाबाद है तो क्या हुआ, लेकिन दारुल हुकूमत कराची पहले था। कराची के हालात बताएं जरा थोड़े से। कराची के हालात माशाल्लाह काफी बेहतर है, रोजगार भी है। और चलते हुए रास्ते में मोबाइल छीन लेते हैं सर। ये तो लाहौर में भी होता है, हर जगह होता है। लेकिन वो यार गैरत की बात यहाँ पर बात वो नहीं है, एक जो सच्चाई है। जब तक मानेंगे नहीं उस चीज को, दो स्नैचिंग होती है ना। स्नैचिंग होती है ज्यादा है कराची में, ज्यादा है ये चीज। कराची में सर हम लोगों के गन के पॉइंट पे कोई भी छीना छनाई कर देते हैं। हाँ ले जाते हैं। ये बात हमारे मुल्क की है ना, इसे जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे। कराची भी हमारा है, लाहौर भी हमारा है। जब तक हम मानेंगे नहीं तो चीजों को दूर कर पाएंगे नहीं ना कर पाएंगे। देखिए क्राइम ठीक है, किसी शहर में क्राइम ज्यादा होता है, किसी शहर में कम होता है, लेकिन क्राइम क्राइम है। 100% क्राइमलेस नहीं बनाई जा सकती सोसाइटीज़, क्योंकि क्राइम जो है ना वो इंडिविजुअल है। आज मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कल को मेरा दिमाग घूमा और मैंने गन निकाली और किसी को ठा 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 उड़ा दिया। कहाँ पुलिस रोकेगी, कहाँ रोकेगी, कैसे रोकेगी भाई? तो ठीक है, मतलब इस तरह की कराची में ज़्यादा होता है और कराची वालों को आप मतलब एक तरह से डिग्रेड करेंगे। अरे तुम्हारे यहाँ तो क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, थोड़ी कड़ाई हो जाएगी तो कराची भी ठीक हो जाएगा। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है ना, इसमें कराची का या कराची वालों की थोड़ी ना गलती है यार। नहीं ना कर पाएंगे। ये पता लगा कि कौन सा मुल्क है? नहीं ना पता लगा। नहीं सर मैं जब बताऊँगा आप लोग हैरान हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ। अच्छा बताएं बताएं। ये कोई और नहीं है भाई, ये कोई और मुल्क है ही नहीं है। ये पता कौन सा मुल्क? कौन सा? ये मुल्क हमारे पड़ोस का मुल्क है, इसके साथ हमारे बॉर्डर्स भी लगते हैं। अच्छा बताएं बताएं यार। ये बताऊंगा तो आप लोग हैरान हो जाओगे। बता दूं? बताएं आप। नहीं बता दूं? नहीं बता दो भाई, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। अच्छा इंडिया की बात की थी ना सर आपसे, फिर आप क्यों नहीं माने? नहीं आपको मानना चाहिए। मेरा काम कंफ्यूज कर रहा है। आप मुझे पक्का बताते कि भाई ये मैंने देखा इंडिया में। नहीं 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 इंडिया का बोला आपने, कहा इंडिया तो बड़ा गरीब लोग मुल्क है बहुत। हमें यही तो बताया जाता है कि बड़ा गुर्बत है। आपको अंदाजा होता कि इतनी बड़ी इमारतें हमने तो यूरोप में ही देखी है, यूरोप में फिल्मों में देखी है। ये समंदर के अंदर इतना बड़ा पुल बना दिया। बिल्कुल। वैसे एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, मुंबई में इमारतें आज से इतनी बड़ी बड़ी नहीं है। मुंबई में आज से 50 साल पहले भी ना 50-50 मंजिल की इमारतें हुआ करती थी, और वो अभी भी हैं। और ये मुंबई वाले बात अच्छी तरह जानते हैं। आप जाकर पुरानी फिल्में देखो, 50 साल पुरानी फिल्म देखो, उसमें आपको मुंबई में ऐसे ही बड़ी बिल्डिंग्स नजर आएंगी, बड़ी बड़ी। थोड़ी डेंसिटी अब ज्यादा हो गई है बिल्डिंग्स की, पहले थोड़ा आसमान खुला दिखता था, लेकिन बिल्डिंग्स तब भी मुंबई में 50-50 माले से ऊपर की बिल्डिंग्स हुआ करती थी। तो मुंबई आज की डेवलप नहीं है, इसके तो रिकॉर्ड हैं। आप मुंबई की फिल्में पुरानी 50 साल पहले जहां मुंबई में शूट हुई, आप जाके देखिए, आपको चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, एक से बढ़कर एक इमारतें दिखेंगी। क्यों भाई मुंबई वालों, सही बोल रहे हैं को नहीं बोल रहा हूं मैं? आज लोग आपके, आज इंटरनेट पहुंचा है, आज चीजें पहुंचे, तब आप नजर आ रही है ना चीजें आपको। मुंबई ऐसे ही मुंबई नहीं सर, मुंबई का एक इतिहास है। और ये इमारतें यार 50 साल पहले से हम देख रहे हैं इमारतें वहां पे। बिल्कुल हैरानी वाली बात, बिल्कुल हैरानी। कराची और मुंबई तकरीबन सेम ही है ना? बिल्कुल सेम। तो आज देखो मुंबई की क्या शक्ल बना दी उन्होंने। बेशक। कैसे सर? वहाँ पर इसको कह लें कि गुड गवर्नेंस, ठीक है, और आवाम में शऊर हो गया तकरीबन। अब यहाँ पर भी गवर्नर, यहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम हुआ है, लेकिन हमारी जो पब्लिक है वो इस तरह उसकी जो है ना केयर नहीं करती जिस तरह की जो पब्लिक पॉइंट्स की केयर करनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखें ये कितना अच्छा पॉइंट बना हुआ है, हालांकि फैमिलीज़ के लिए ये जो है एक तरह का आउटिंग का भी है और ऑरेंज लाइन का एक स्टेशन भी है। अगर इस पर अच्छी मैनेजमेंट है तो नो डाउट ये अच्छा एक तफरी पॉइंट भी बना हुआ है, लेकिन अगर इसकी केयर नहीं करेंगे तो ये कल को उजाड़ बियावान बन चुका होगा। हमारी गवर्नमेंट नहीं ठीक, उनकी गवर्नमेंट ठीक है, हमारी गवर्नमेंट नहीं ठीक, उनको गवर्नमेंट अच्छी है। उनको नहीं पता कि कोई क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि एक बंदा है, उसकी 20,000-30,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, कुछ बच रहा है, ये कुछ खा के सो रहे हैं, नहीं खा के सो रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। उनको अपना पता है कि 10-10 गाड़ियाँ होनी चाहिए, नीचे प्रोटोकॉल होना चाहिए, यहाँ जाना, यहाँ जाना, बस कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये जो तरक्की हमने देखी, यहाँ पर मैं छोटी सी पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, ये जो तरक्की हमने देखी इंडिया के अंदर, जो उनका मुंबई सिटी इतने डेवलप कर लिया, हमें हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई हमारे मुल्क का सीएम, कोई इस तरह की डेवलपमेंट क्यों नहीं करता? क्यों हमारे पास पैसा नहीं है? सब कुछ है। क्या हमारी ताकत इंडिया से कम है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इसमें इंडिया से हमारी ताकत ज़्यादा है सर। इंडिया की निस्बत हमारी जो है क्या कह लें कि गुड गवर्नेंस जो है वो हम थोड़ा सा पीछे हैं इंडिया से, वरना इंडिया की निस्बत जो है हम काफ़ी आगे भी हैं। किस चीज़ में आगे हैं वो ज़रा बताएं सर? एजुकेशन में कह लें या जो भी है ओवरऑल। एजुकेशन में हम इंडिया से आगे हैं, तकरीबन आगे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है एजुकेशन में इंडिया से आगे? हम ताकत में इंडिया से आगे हैं, एजुकेशन में नहीं है, हर तरीके में इंडिया से आगे हैं। अच्छा, एक वजह, एक चीज़ बताएं कि जिससे गवर्नमेंट नहीं ठीक, एक चीज़ इंडिया से कौन सी चीज़ में आगे हैं, जरा क्लियर करें। इंडिया से हम ताकत में आगे हैं, ताकत में। अच्छा, वो ताकत आएगी ना कि चूंकि हम मुसलमान हैं और चूंकि हमारे अंदर ईमान है, तो हम एक जो मुसलमान है वो 100 काफिरों पर भारी है, इस टाइप की चीज़ें हैं ना। एक झापड़ मारूंगा मर जाएगा अभी तो। अच्छा हाँ, याद आया, एक झापड़। पिछली बार ये डायलॉग किसी में बोला था मैंने, किसी वीडियो में, तो किसी ने किसी की क्लिप भेजी, पता नहीं कौन सा रिएक्शन चैनल है, उसने बोला कि यार आलोक जी को देख के तो लगता नहीं है कि वो एक झापड़ मारेंगे तो कोई मर जाएगा। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, ताइक्वांडो नाम का एक मार्शल आर्ट है, जाके सर्च कर लीजिएगा आप लोग। तो ताइक्वांडो में मैं रेड बेल्ट हूं, 6 साल ताइक्वांडो मार्शल आर्ट कंटिन्यूसली सीखा है मैंने। तो आज जो मेरी आपको बॉडी नज़र आती है ना बिल्कुल ऐसे ही, तो वो सर उन ताइक्वांडो मार्शल आर्ट की बदौलत नज़र आती है। तो जो लोग ताइक्वांडो सीखते हैं, जो लोग ताइक्वांडो जानते हैं, वो जानते हैं कि जो 6 साल लगाए मैंने उसका मतलब क्या है, कि अगर ढंग से एक झापड़ मार दूँ ना, मर जाएगा आदमी। तो बॉडी पर मत जाना। इंडिया से हम ताकत में आ गए हैं। कौन सी ताकत में? कोई भी ईमान भी हमारा मजबूत है। हर लड़ सकते हैं, किसी लिए लड़ सकते हैं कि हमें शहादत नसीब होगी, सबसे बड़ी बात हम किसी से लड़ेंगे ना, जन्नत में जाने के लिए लड़ते हैं, जन्नत में जाने के लिए लड़ लेंगे, शहादत हर तरफ से जिंदा। अच्छा, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये सही सोच है सर? ये भी एक ईमान है हमारा, ठीक है। किसी बंदे को मार दो, काफिर को मार दो, जन्नत मिल जाएगी। देखें, ये तो हुजूर का कौल है कि आप काफिर को भी काफिर नहीं कह सकते, ठीक है। हो सकता है उसको अल्लाह ताला मरते दम पे कलमा नसीब फरमा दे, तो वो गुनाह आपके सर आ जाएगा। हाँ, लेकिन जहाँ दीन इस्लाम की बात आएगी, कुरान की बेरुमती की बात आएगी, या अल्लाह या उसके रसूल की जो है कह लो कि गुस्ताखी की जाएगी, वहाँ फिर किसी मुल्ला की या किसी जो है मौलवी की इजाज़त दरकार नहीं होगी। वहाँ फिर सिर्फ हमारे हाथ में तलवार होगी और उसका सर हमारे तलवार के नीचे होगा। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, आप कहीं भी हो, जो भी बंदा बात करेगा सर का रसूल जो करेगा, या जो अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेगा, या जो हमारी जो मजहबी किताब है कुरान पाक, ठीक है, जो हमारे दिलों में बसती है, उसके मुतालिक जो कोई गुस्ताखी करेगा, फिर तो सर वो आखिरी बात ज़्यादा नहीं। हमारी हुकूमतों को सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि ये जो गरीब लोग, छोटे तबके के लोग हैं ना, इनके बारे में सोचना चाहिए कुल मिला के, बस। क्योंकि जो अमीर है वो तो अपनी जिंदगी गुजार रहा है सही, जो छोड़ो वीडियो बंद करते हैं। कितना अच्छा होता अगर ये लोग ये कहते कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हमें नए कॉलेजेस के लिए लड़ाई लड़ेंगे, नई यूनिवर्सिटीज़ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम रोजगार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जब मैं कहता हूं ना माइंडसेट, रेडिकलाइज्ड माइंडसेट, वो ये है। इनमें से किसी ने एजुकेशन के लिए लड़ने की बात नहीं कही, इसने किसी ने फैक्ट्रीज के लिए लड़ने की बात नहीं कही, इंफ्रा के लिए नहीं कही। लेकिन देखिए जहां इस्लाम का नाम आया, और भाई हमारे हाथ में तलवार होगी और उसका सर होगा। अरे अपनी नस्लों को सुधारना है ना, किताबें मांगो, तलवारें मत मांगो, किताबें मांगो, कॉलेजेस मांगो, स्कूल मांगो, यूनिवर्सिटी मांगो, रिसर्च सेंटर्स मांगो, इंफ्रास्ट्रक्चर मांगो। पाकिस्तानियों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तानियों। और उसके बाद कहेंगे जी अजय हम तो ताकत में इनसे आगे हैं। 93,000 कलमा गो नहीं थे क्या? जिनकी पैंट 71 में उतारी गई थी वो कलमा गो नहीं थे? मैं फिर कहता हूं ऐसी बातें मत करो जिससे आप अपने मजहब को बदनाम करो। जैसे ही आप बोलते हो ना मुझे तो वो 93,000 याद आते हैं, तो या तो वो मुसलमान नहीं थे, या तो उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, या फिर वहां पे इस्लाम हार गया। तो बदनाम तो आप ही कर रहे हो ना अपने इस्लाम को। 93,000 कौन थे? वो सब भूल गए थे। लड़ते लड़ते मर जाते ना तो तुम्हारी बात पर विश्वास भी रहता, भरोसा भी रहता। अरे देखो लड़ते लड़ते मरे हैं। सरेंडर किया उन्होंने, सरेंडर। सरेंडर करना मतलब खौफ, डर, ये होता है। खैर छोड़ो यार, बात हो रही थी मुंबई की। भाई तो देखो मुंबई के बराबर ना आज से 70 साल पहले भी तुम लोग मुंबई के बराबर नहीं थे, और अब तो खैर बिल्कुल ही नहीं। पूरा पाकिस्तान नहीं है, एक तरफ अकेला हमारी मुंबई और एक तरफ पूरा पाकिस्तान। इंफ्रा में, एजुकेशन में, नौकरी में, बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में, किसी में पार नहीं पा सकते हमारी मुंबई से, किसी में। जिन्हें जरा भी शक हो ना, जाकर मुंबई सिटी के बारे में पढ़ लो, उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। और क्यों मैं ये दावा कर रहा हूं कि एक मुंबई सिटी हमारी पूरे पाकिस्तान पर भारी है, तब आपको असली बात समझ में आएगी। अब तो इंटरनेट आ गया ना, पहले तो चलो बातें छुपा लेते हो, पहुंचती नहीं थी, अब तो इंटरनेट हाथ में मोबाइल है, करो तब समझ में आएगा। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों इस वीडियो के बाद? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।